देश में आए दिन बहुत ही खलबली मच रही है। अब हम जुडिशरी की बात करें या पार्लियामेंट की, हर जगह झगड़े फसाद की स्थिति पैदा हो चुकी है। बीते दिनों भी हमने जुडिशरी में कई जजेस और लॉयर्स में झगड़े होते देखे हैं, और स्पेशली इस बात पर जहां दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल इन्वॉल्व है। जुडिशरी में एक इम्पोर्टेंट रोल लॉयर्स एसोसिएशन भी करती है, जो आए दिन कुछ गलत होता देख उसे कॉल आउट करती है। अब चाहे रोस्टर सिस्टम की बात हो या केस लिस्टिंग की, और अब कौन से नए मुद्दे में लॉयर्स एसोसिएशन एक लेटर लिखने पर मजबूर हो गई है जुडिशरी को, और कैसे ये मसला दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से भी जुड़ा है, हम आगे देखेंगे। पर इसके साथ आपको ये समझाना भी बेहद जरूरी है कि दिल्ली सीएम के अरेस्ट का मसला इतना सेंसिटिव हो चुका है कि आए दिन इसकी वजह से जजेस पर भी कई गंदे कमेंट्स पास होने लगते हैं, जो इन मामलों से जुड़े कुछ ऑर्डर्स देते हैं। यहाँ पर हम स्पेशली दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट के जज न्याय बिंदु की बात कर रहे हैं, जिन्होंने इतने बैकलैश सहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को बेल ग्रांट कर दी थी। कुछ कमेंट्स जो जज न्याय बिंदु के खिलाफ है पर एक नज़र डालते हैं। शक्ल से ही करप्ट लगती है, वॉज शी ब्राइब्ड और रिवॉर्डेड बाय एन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, जहां जज न्याय बिंदु ने बेल ऑर्डर दिया था और जो अब दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा स्टे करवा दिया गया है। तो आपको बता दें कि अब दिल्ली सीएम सीबीआई द्वारा भी अरेस्ट हो चुकी है, और उन्होंने सीबीआई की अरेस्ट को भी चैलेंज किया है। इसी के बीच हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दिल्ली लॉयर्स एसोसिएशन, विच इज हेडेड बाय एडवोकेट संजीव नायसार, वो इज ऑल्सो द चीफ ऑफ द आम आदमी पार्टीज लीगल सेल, ने बीते दिन एक डिस्ट्रिक्ट जज से मुलाकात की थी और ऑब्जेक्शन रेज किए थे टू अ परपोर्टेड इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन आस्किंग वोकेशन जजेस ऑफ ट्रायल कोर्ट्स नॉट टू पास एनी फाइनल ऑर्डर इन पेंडिंग केसेस ड्यूरिंग अ कोर्ट रिसेस। आसान शब्दों में कहे तो जब से वोकेशन जज न्याय बिंदु ने दिल्ली सीएम को बेल देकर देश में हलचल पैदा कर दी थी, तो वोकेशन जजेस को एक कम्युनिकेशन मिला था कि वे पेंडिंग मामलों में एक फाइनल ऑर्डर ना पास करें। ऐसे कम्युनिकेशन से एक जज को लिमिट करने की बात पर ही दिल्ली लीगल एसोसिएशन काफी नाराज दिखी है, और उन्होंने इस मामले में एक लेटर लिखा है। आपको ऐसे बता दें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन दिल्ली वर क्लोज्ड फॉर समर वेकेशंस फ्रॉम जून 10 टू जून 29। ड्यूरिंग दिस पीरियड जुडिशियल ऑफिसर्स टेक टर्न टू एक्ट एज वेकेशन जजेस। पर ऐसे में एक जज के वर्किंग को कंट्रोल करना काफी गलत है, और इस बारे में लेटर में स्टेट किया गया था कि एज यू नो जज न्याय बिंदु ग्रांटेड बेल टू दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ऑन जून 20। हाउएवर सेवरल advocates have complained that soon after this order was passed, an internal administrative order was issued by the district judge of the Rouse Avenue court directing all vacation benches that they would not give any final orders in any matters and would merely issue notices for regular benches after the vacation. इस लेटर ने ये भी क्लेम किया है कि ऐसा ऑर्डर इज नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड प्रोसीजरली इरेगुलर बट ऑल्सो अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। वकेशन जजेस और बेंचेस को फेवर करते हुए लेटर में ये भी स्टेट किया गया है कि द इंटायर पर्पज ऑफ वकेशन बेंचेस इज दैट देर आर अर्जेंट मैटर्स दैट रिक्वायर अटेंशन इवन ड्यूरिंग वकेशंस, एंड इफ सच एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इज इशूड इट डिफीट्स द वेरी पर्पज ऑफ हैविंग वकेशन बेंचेस। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली लीगल एसोसिएशन ने ऐसे किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को मीडिया के साथ शेयर नहीं किया है, पर अटकलें लगाना आसान है कि ये सब कंट्रोवर्सी जज न्याय बिंदु से ही शुरू हुई है। अब जब जज न्याय बिंदु को इतना बैकलैश मिल रहा है, वहीं आपको पता भी होगा कि उनके द्वारा दिए गए बेल ऑर्डर पर एक स्टे दिल्ली हाईकोर्ट ने लगा दिया है। इस मामले में जहाँ स्टे लगा ही था, वहीं बहुत जल्दी करते हुए सीबीआई ने भी इस केस में अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया था, जिसे सभी शॉक हो गए थे। हालांकि सीबीआई ने इस स्पीड को मेंटेन करते हुए दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में जज अमिताभ रावत से केजरीवाल की 5 दिन की रिमांड की भी मांग कर ली थी। भले वहां पर केजरीवाल की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी और विवेक जी ने सीबीआई को बहुत फटकारा था और उनके द्वारा टाइमिंग ऑफ अरेस्ट को भी चैलेंज किया था, पर इन सबको रिजेक्ट करते हुए जज अमिताभ रावत ने सीबीआई को 3 दिन की रिमांड दे दी थी। द जज सेड एन इन्वेस्टिगेशन इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द सीबीआई बट देर आर सर्टेन सेफ गार्ड्स प्रोवाइडेड इन द लॉ। ही बेस्ड हिज वर्डिक्ट ऑन द मटेरियल प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड एंड सेड द अरेस्ट कांट बी टर्म्ड इलीगल एट दिस स्टेज ऑफ द केस। हालांकि इसके अलावा उन्होंने कहा भी था कि कैसे इस मामले में सीबीआई को ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए एंड स्टेटेड द एजेंसी हाउएवर शुड नॉट बी ओवर जेलस। और जब ये 3 दिन की रिमांड खत्म हुई है, तो दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में जज सुनैना शर्मा ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी इन सीबीआई केस को 12 जुलाई तक के लिए एक्सटेंड कर दिया था। हालांकि हार नहीं मानते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में इस अरेस्ट को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज किया है, और उनके बिहाफ पर ही सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी दिखे थे, जिन्होंने काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रेज किए थे सीबीआई के खिलाफ।
दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने जैसे ही मैटर टेकअप किया था बीते दिन, वैसे ही केजरीवाल की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई को फटकारना शुरू किया था और स्टेट किया था कि दिस कम्स फॉर इश्यूएंस ऑफ नोटिस फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट पॉइंट इज नेसेसिटी फॉर अरेस्ट, नो क्वेश्चन ऑफ सीबीआई अरेस्टिंग मी इन जून बिकॉज सीबीआई एफआईआर इज ऑफ अगस्त 2022, ही इज देन समन्ड इन अप्रैल 2023 एंड क्वेश्चन फॉर 9 आवर्स, फ्रॉम दैट टिल नाउ नथिंग इज डन। उन्होंने इस बात पर भी काफी जोर दिया कि अरविंद केजरीवाल जो ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में जेल में थे, उन्हें सीबीआई द्वारा अरेस्ट करने की कोई नीड या नेसेसिटी नहीं थी एंड स्टेटेड ऑन अ 2022 एफआईआर ऑन अ क्वेश्चनिंग इन 2023 अप्रैल ही इज अरेस्टेड नाउ। देयर कैन नॉट बी अर्जेंसी और नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट, द अरेस्ट मस्ट नॉट ओनली इन्वॉल्व बट द अरेस्ट मेमो मस्ट रिफ्लेक्ट सम रीजन सम बेसिस। लेकिन इस मामले में अरेस्ट मेमो तो सिर्फ एक पैराग्राफ का ही था जो कि बहुत ही शॉकिंग भी था। हालांकि आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा भी है कि वे इस मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से जल्दी ही बेल प्ली भी फाइल करेंगे और इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए जस्टिस नीना बंसल ने इस मामले में एक नोटिस इशू किया है और जिसके साथ सीबीआई को एक रिप्लाई विद इन 7 डेज फाइल करना है, रिजॉइंडर इफ एनी विद इन 2 डेज देयर आफ्टर। और अंत में जस्टिस नीना ने इस केस को जुलाई 17 के लिए लिस्ट कर दिया है। अब जैसा कि हमने कहा है कि दिल्ली सीएम की अरेस्ट का मामला काफी कंट्रोवर्शियल हो गया है जो कि आए दिन कोर्ट्स के अलावा पार्लियामेंट में भी डिस्कशन का एक मुद्दा बन चुका है, तो इस मामले में आम आदमी पार्टी और राज्यसभा एमपी संजय सिंह ने क्या कहा है जो खुद ही एक समय में जेल में थे, पर भी एक नजर डालते हैं। अमृतकाल की चर्चा हुई माननीय, विपक्ष के नेताओं को पूरे देश में सरकार के द्वारा टारगेट किया गया और सिर्फ विपक्ष के नेताओं का सवाल नहीं माननीय, बंगाल के 3 मंत्री भी जेल में हैं, अभी झारखंड के मुख्यमंत्री को जमानत मिली है कोर्ट से, ईडी का सीबीआई का जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके राज्यों के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनको चुनाव से पहले जबरदस्ती पकड़ के जेल में डाल दिया गया महोदया, और बिहार में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, महाराष्ट्र में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, दिल्ली में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, अब क्या करना चाहते हैं? मैंने अटल जी के भाषण सुना मानवर, उन्होंने कहा दुर्भावना से राजनीति नहीं होती, बड़े दिल से राजनीति होती, बड़े मन से राजनीति होती, बड़े मन की राजनीति करना सीखिए। ऐसे विपक्ष के लोगों को टारगेट करना ठीक नहीं है, ये अच्छी राजनीति नहीं है आपकी। आपने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल दिया, उस आदमी का 36 किलो वजन कम हो गया जेल में मानव, 36 किलो। प्रतिपक्ष को खत्म करके, विपक्ष को खत्म करके, नेताओं को जेल में डालकर आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप जेल की राजनीति कर रहे हैं, इस चुनाव ने आपको एक परिणाम दिया है सोचने के लिए, विचार करने के लिए। इसमें स्पष्ट बहुमत का भी जिक्र है मान्य, 400 पार आपने नारा दिया, 400 पार, 400 पार, 400 पार, नॉट अ गुड हैबिट, 400 पार का नारा आपने दिया, आपकी 240 सीट आई, स्पष्ट बहुमत कहाँ है? आपके दावे से 160 सीट कम आई माननीय, और 303 सीट पिछली बार थी। आपको सोचना होगा, विचार करना होगा, अपनी कमियों की समीक्षा करनी होगी। और आपकी कमियां क्या है? आपकी कमियां आपका अहंकार है। जब व्यक्ति अहंकार में होता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता मन। रावण भी अहंकार में था, उसने लगा प्रभु श्री राम वनों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, वो मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन भालुओं की, बानरों की सेना बनाकर लंका को आग लगाने का काम प्रभु श्री राम ने किया, रावण का नाश करने का काम प्रभु श्री राम ने किया, उस अहंकार का भी नाश हो। और आप पता नहीं क्यों रिजल्ट को समझ नहीं पा रहे, आप लोग सबको गालियां देने लगते हैं और पता नहीं कौन आपको सलाह देता है, किस गलतफहमी में आप लोग रहते हैं। जब जो पार्टी सत्ता में रहेगी, अगर विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी, उस पार्टी का सत्यानाश होगा, अपने नेताओं को बता देना। रावण का अहंकार नहीं चला माननीय, तो किसी और का अहंकार क्या चलेगा। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं। टिल देन, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।